people across China are not happy. China के अंदर protests शुरू हो गए हैं large scale के ऊपर. लोगों ने सड़कों पे आना शुरू कर दिया. Income tax का revenue 5.7% गिरता है. उनका value added tax का revenue 7% गिरता है. जो real estate से पैसा आ रहा वो गिर रहा है. जो उनके कई सारी चीजें आती थी गवर्नमेंट के रिसीवल्स जो थे हर में 5, 7, 8, 9, 10, 5, 7 और अपने फैक्ट्रीज लगाई, इनकी लेबर को यूज किया, जो फैक्ट्रीज थी उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को लगवाया गया. डेट किसके पास है? चाइनीज लोगों के पास. पैसा किसने दिया? चाइनीज बैंकों ने दिया. और वेस्टर्न वर्ल्ड ने यहां से 10 पैसे की चीज को एक एक डॉलर में अपनी कंट्री में जाकर बेचा. पैसे किसने कमाए? वेस्टर्न वर्ल्ड ने. ये तो लेबर का काम करते रहे. तो आज जाकर इनको समझ आया है कि हमें तो पप्पू बनाया गया है. स्टॉक मार्केट्स ने और चाइना के मार्केट्स ने वो क्रूशियल डेटा देना बंद कर दिया जिसकी जरूरत होती है स्टॉक मार्केट को. कि पहली बार पिछले कई सालों में, तकरीबन 3 decades में, पहली बार FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव में गया है. मतलब बाहर, चाइना से बाहर इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रही है, चाइना में इन्वेस्टमेंट कम आ रही है. प्रोटेस्ट्स हैव ब्रोकन आउट इन मेजर सिटीज विद हंड्रेड्स रैलिंग एट बीजिंग्स एलीट. 50 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स का डेट है जो उन्होंने छुपा रखा है. तो अब ये आप मान लीजिए, ये डेट अगर ये 40 करे 80 है, मैं 1.5 नहीं कर रहा, 80 है. 80 इज अप्रोक्सिमेटली 50 ट्रिलियन डॉलर का डेट जो हम कहते हैं चाइना पे. इसकी पुष्टि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, भाई ये डेट इनके पास है. और इसमें इन्होंने एक और पेज डाला, कह रहा भाई ये डेट जो है ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है. पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स की यानी कि सरकारी कारखाने, सरकारी उद्यम है, सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उनका डेट इसमें इंक्लूड नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है. शिनहुआ वहां पर उसने बोला, मैं दो चीजें डिमांड करता हूं. एक, हमारी जिंदगी को फ्रीडम चाहिए. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, चीन में हजारों लोग सड़कों पर आ गए हैं. चीन की हालत आज इतनी खराब हो गई है कि चीनी कंपनियों के पास अपने वर्करों को पैसे देने के लिए नहीं है. लगातार चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती जा रही हैं. रियल इस्टेट इंडस्ट्री के बाद चाइनीज बैंक भी बैंकक्रप्ट होते जा रहे हैं. चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने जो भी प्लान बनाया था इससे निकलने के लिए, वो सब फेल होती जा रही है. चीनी सामानों पर भारत समेत पूरी दुनिया ने इतना टैक्स लगा दिया कि आज चाइना का दिवाला निकल गया. जो चीन अपनी जनता को इतना कंट्रोल करके रखता है, उसके बावजूद आज हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी आज कुछ नहीं कर पा रही है. आज चीन अपनी हालत ठीक करने के लिए भारत की तरफ देख रहा है और भारत से अपने संबंध ठीक करने के लिए भारत के घुटनों पे आ गया है. लेकिन भारत ने साफ कर दिया है, पहले बॉर्डर पे हालात ठीक करो, उसके बाद शक्ति कम होगी. अब चीन की नजरें अमेरिका के इलेक्शन पे है. अगर अमेरिका में ट्रंप वापस आते हैं तो चीन की हालत और खराब हो जाएगी. वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें. आइए पूरी वीडियो देखते हैं. हुआ ये है कि जो वर्कर्स हैं, वो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो ना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उन्हें वेजेस नहीं मिल रहे. जो रियल एस्टेट की कंपनीज हैं, वो डूबती जा रही हैं. उसके कारण डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं. और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि वो पैसे नहीं दे पा रही, वो क्या कर रही हैं? वो कहती है कि हमारे पास पैसे देने के लिए नहीं है. आपने ये फ्लैट्स को आपने बनाया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले को बोल रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आपको अगर 2 crore रुपए चाहिए, ये 2 crore का मकान मैं आपको फ्री में देता हूं, आप इसको बेच लीजिए, पैसे ले लीजिए और उसके बाद अपने लेबर को पेमेंट कर देना. मकान बिक नहीं रहे, ना रियल एस्टेट कंपनी के, ना ही जो आगे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं. जैसे कोई सीमेंट देता है, कोई ईंटें दे रहा है, कोई लेबर का काम कर रहा है, कोई लेबर का कॉन्ट्रैक्टर है, उसके हाथ पे घर है जो बिक नहीं रहे. लेबर कहती है कि तुम्हारे पास घर है, हम क्या करें, हमें तो पैसा चाहिए अपनी जिंदगी को चलाने के लिए. पैसा आ नहीं रहा तो अनरेस्ट शुरू हो गया. यानी कि पूरा का पूरा एक सेवा पड़ा हुआ है पूरे कंट्री के अंदर. जो लेबर डिस्प्यूट्स हैं, ये कभी भी आपने सुना नहीं होगा कि चाइना में डिस्प्यूट हो गया, लोग सड़कों पे आ गए, क्योंकि उठाकर उनकी किडनियां निकाल ली जाएंगी. लेकिन पहली बार है कि ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं सोशल मीडिया के अंदर. ये जो कंसर्न, ये एक कंसर्निंग चीज भी है दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो गरीब आदमी है वो मर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे चलाएं. इवन की जो मीडिया है इसे छुपाने की कोशिश भी कर रहा है इतने गवर्नमेंट के कंट्रोल होने के बाद. लेकिन जो ये डिसकंटेंट है, जो हार्डशिप्स हैं लोगों की, ये बाहर निकलती जा रही हैं इतना कंट्रोल करने के बाद भी. अब शुरू कहां से हुआ? शुरू पहले हुआ एक सोल्जर की तरफ से, वर्कर की तरफ से बाद में हुआ है. एक एक्स सोल्जर था बीजिंग के अंदर,
वो पूरी अपनी आर्मी की ड्रेस डालकर उसने वीडियो को अपलोड किया सोशल मीडिया के अंदर। और किया भी कहां, एक बहुत ही फेमस शॉपिंग स्ट्रीट है बीजिंग के अंदर, उसको बोलते हैं वांग फू जिंग शॉपिंग स्ट्रीट। उसके अंदर जाकर उसने यूनिफॉर्म में डालकर एक वाइट बैनर लगाया और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के ऊपर उसने एक्विजिशंस लगाए कि मैं एक सर्विस मैन हूं रिटायर्ड जिसने देश के लिए 12 साल काम किया है, आप मेरा गला घोटते जा रहे हैं, मुझे लगता है उसको पेंशन नहीं मिल रही होगी। उसके कारण उसने प्रोटेस्ट शुरू किया। उससे पहले एक और आदमी था, उसने भी एक बैनर लगाया ओवरपास के ऊपर, एक जगह है शिनहुआ, वहां पर उसने बोला मैं दो चीजें डिमांड करता हूं, एक हमारी जिंदगी को फ्रीडम चाहिए और दूसरा हमें इस देश में इलेक्शन चाहिए। चाइना में इलेक्शंस की बात कोई आदमी करे और उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और उसने बोला कि जब जब मैंने इलेक्शंस और फ्रीडम की बात करी है तो मुझे हमेशा ही हैरस किया गया है, मुझे दबाने की कोशिश की गई है। इस प्रोटेस्टर को एक आदमी ने हिम्मत दिखाई डेमोक्रेसी मांगने की और उसने प्रोटेस्ट आज से नहीं 2022 में भी प्रोटेस्ट किया था। और जब इसने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने लाउड स्पीकर से सड़कों के ऊपर अनाउंस करना शुरू कर दिया कि आप अपनी आत्मा की जो फ्रीडम है उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए, आप चाइना में रहते हैं। ये तो हालत है चाइना के अंदर कंट्रोल की, और ये लोग फ्रीडम और किसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। दूसरा आते हैं लेबर स्ट्राइक के ऊपर। लेबर स्ट्राइक इस साल 700 से ज्यादा इंसिडेंट सिर्फ 2024 में हुए हैं जहां पर स्ट्राइक्स करी हैं। लेबर स्ट्राइक करें ऐसा सुनने को आता ही नहीं है, प्रोटेस्ट तो दूर की बात है। और ये जो इंसिडेंट है मेजॉरिटी ऑफ देम या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है या प्रॉपर्टी सेक्टर में है। प्रॉपर्टी का तो हमें समझ आता है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, सैलरी मिल नहीं रही, तो प्रोटेस्ट होना लाजमी है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा क्यों? उसका रीजन है दोस्तों कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर प्रेशर आ गया है। प्रेशर इतना है, ऑर्डर नहीं है, माल बिक नहीं रहा, सैलरीज दे तो दे कैसे, फैक्ट्री अगर खुलेगी तो चलेगी, चलेगी तो उसको पैसा भी चाहिए, पैसा मिलेगा तब जब ऑर्डर आए होंगे, ऑर्डर आते नहीं है, सैलरी के पैसे नहीं है। और जब छुट्टियां आती हैं, यहाँ पर साल में दो बार छुट्टियां होती हैं, लोगों को बोल दिया जाता है आप घर जाइए और वापस आना मत, जब हम बुलाएंगे, जब ऑर्डर आएगा तब आप आ जाना। इसी सारे चक्करों के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो देश में आ नहीं पा रही, एक इतना परसिस्टेंट डाउनफॉल कंट्री का हो रहा है हर सेक्टर में, कहीं भी कोई भी चीज चल नहीं रही। डोमेस्टिक डिमांड जो है वो बढ़ नहीं रहा क्योंकि लोगों ने स्पेंड करना ही बंद कर दिया कि पता नहीं कल को क्या होगा। चाइना ने बोला कि चलो हमारी जो सबसे दो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं सोलर पैनल और कारें, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे आएंगे, तो वहां पर यूएसए ने यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया, भारत ने इनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेने से इनकार कर दिया। यानी कि एक ही इनकी लाइट थी जहां से ये पैसे कमा सकते थे, कंपनीज को सपोर्ट कर सकते थे, वो भी दुनिया ने बंद कर दिए। उसी कारण अब वर्कर्स का जो अनरेस्ट है ये बढ़ता जा रहा है और बढ़ भी इतना रहा है कि गवर्नमेंट उसे छुपाने की कोशिश भी कर रही है, छुपा नहीं पा रही। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी सोलर पैनल बनाने वाली बंद होती दिखाई देती हैं, बैंकरप्सी उनकी अंदर आ गई है एंड दे हैव क्लोज देयर शॉप्स। अब इनकम टैक्स का रेवेन्यू 5.7% गिरता है, उनका वैल्यू एडेड टैक्स का रेवेन्यू 7% गिरता है, जो रियल एस्टेट से पैसा आ रहा वो गिर रहा है, जो उनके कई सारी चीजें आती थी गवर्नमेंट के रिसीवल्स जो थे हर में 5-7 5-7 8-9 10 5-7